हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपका दोस्त महेश कुमार। फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं। दिस जेट प्रपल्सन क्या होता है, कैसे वर्क करता है, फ्रेंड्स हम देखेंगे इसको। सो जेट प्रपल्सन जो है फ्रेंड्स, ओपन साइकिल गैस टर्बाइन प्रिंसिपल पर वर्क करता है। ओके, गैस टर्बाइन क्या होता है फ्रेंड्स? एयरक्राफ्ट प्रपल्सन के लिए सूटेबल होता है। वाई? बिकॉज गैस टर्बाइन लाइट वेट होता है, कम्पैक्ट होता है एंड हाई पावर टू वेट रेशियो होता है या अचीव होता है। सो एयरक्राफ्ट गैस टर्बाइन ऑपरेट ऑन ओपन साइकिल, इसको क्या कहते हैं फ्रेंड्स? गैस जेट प्रपल्सन साइकिल कहते हैं। सो ओपन साइकिल जो एयरक्राफ्ट में यूज होता है उसको हम जेट प्रपल्सन साइकिल कहते हैं। ओके, दिस इज द वन ऑफ द साइकिल विच इज यूज इन एयरक्राफ्ट सिस्टम। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स? सी हियर, दिस इज द डिफ्यूजर पार्ट, दिस इज द कंप्रेसर पार्ट, दिस इज द कंबसन चैम्बर पार्ट एंड दिस इज टर्बाइन एंड दिस इज द नॉजल पार्ट। सो फ्रॉम हियर यू सी फ्रेंड्स, दिस कंप्रेसर, कंबसन चैम्बर एंड टर्बाइन, यहाँ से इंट्री हो रही है एंड यहाँ से एग्जिट हो रहा है। So this is the open cycle gas turbine. Okay, इसमें हम diffuser and nozzle add कर दिए तो यह क्या हो जाएगा? हमारा jet propulsion system हो जाएगा। Okay, now friends let's see here, this is one aircraft, इसमें क्या है? यह system लगा हुआ है। So जो nozzle से pass करेगा यह क्या होगा? इसे हम jet velocity कहते हैं। और यहाँ से जो एयर पास करेगा उसे हम क्या करेंगे? एयर वेलोसिटी कहेंगे। इट मींस फ्रेंड्स सी हियर, दिस इज द एरोप्लेन, यहाँ से जो जेट निकलेगा यह वीजे हो गया वेलोसिटी ऑफ जेट। बिकॉज ऑफ दिस द प्लेन विल मूव फॉरवर्ड, जो प्लेन जो है क्या होगा? वो फॉरवर्ड मूव करेगा विथ वेलोसिटी वीए। वेलोसिटी वीए से पास करेगा तो क्या हो जाएगा? जो भी एयर है वह वेलोसिटी VA से इक्वल टू VA या क्या करेगा? अपोजिट डायरेक्शन में पास करेगा। सो यहां से क्या हो जाएगा? दिस इज द वेलोसिटी VA एंड व्हाट इज द क्वांटिटी? दिस इज द मास फ्लो रेट ऑफ एयर, जो है डिफ्यूजर में जाएगा देन कंबसन चेंबर में जाएगा। बट यहां से क्या, सॉरी, डिफ्यूजर से पास करेगा देन कंप्रेसर से पास करेगा। दिस इज द क्वांटिटी ऑफ एयर विच इज पास थ्रू द डिफ्यूजर एंड कंप्रेसर। देन क्या होगा फ्रेंड्स? जब कंबसन चैम्बर में जाएगा यहाँ से मास ऑफ फ्यूल भी ऐड होगा, बर्नअप होगा, हॉट गैसेस डेवलप होंगी, देन दिस हॉट गैसेस विल पास थ्रू द टर्बाइन देन नॉजल एंड नॉजल से पास करने के बाद यह वेलोसिटी ऑफ जेट हमें अचीव होगा। सो हियर दिस इज द मास ऑफ एयर, बट हियर दिस इज द मास ऑफ एयर प्लस मास ऑफ फ्यूल, बोथ क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर मास ऑफ एयर प्लस मास ऑफ फ्यूल ऐड होगा एंड यहाँ पर क्या हो जाएगा? केवल मास ऑफ एयर होगा। ओके, नाउ वी नो दैट वीजे इज द वेलोसिटी ऑफ जेट, वीए इज द वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन और वेलोसिटी ऑफ एयर विच इज पास थ्रू द डिफ्यूजर एंड कंप्रेसर। गेटिंग फ्रेंड्स? नाउ हमें क्या क्या फाइंड करना है यहाँ पर, जस्ट अंडरस्टैंड। हमें थ्रस्ट फोर्स फाइंड करना है, थ्रस्ट पावर कितना हो जाएगा, प्रोपल्सिव पावर क्या होगा एंड प्रोपल्सिव इफिशियंसी क्या होगा, वी विल डिस्कस। फ्रेंड्स वी नो डैट जो थ्रस्ट फोर्स होता है वो कितना होता है? चेंज इन मोमेंटम होता है एंड चेंज इन मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम माइनस फाइनल मोमेंटम, सॉरी फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। ओके, दिस इज द फाइनल। सो वीजे इंटू टोटल मास, मास ऑफ फ्यूल प्लस मास ऑफ एयर, मास ऑफ फ्यूल इंटू मास ऑफ एयर इंटू वीजे इज द मोमेंटम एट दिस पॉइंट एंड वीए इंटू मास फ्लो रेट ऑफ एयर इज द इनिशियल मोमेंटम। यहां से क्या हो जाएगा? यहां से क्या हो जाएगा? फॉर थ्रस्ट फोर्स वी नो इट फ्रेंड्स, हियर क्या हो जाएगा?
मास ऑफ फ्यूल की क्वांटिटी बहुत बहुत कम होती है, वेरी वेरी लेस, तो हम यहाँ से इसे नेग्लेक्ट कर सकते हैं फॉर इजी कैलकुलेशन। तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, दिस थ्रस्ट फोर्स इज इक्वल टू मास फ्लो रेट ऑफ एयर इनटू वेलोसिटी ऑफ जेट माइनस मास फ्लो रेट ऑफ एयर इनटू वेलोसिटी ऑफ एयर। यहाँ से क्या करेंगे हम कॉमन कर लेंगे, देन क्या हो जाएगा वी जे माइनस वी ए इज द थ्रस्ट फोर्स। ओके, सो दिस इज द थ्रस्ट फोर्स। नाउ व्हाट इज द थ्रस्ट पावर, थ्रस्ट पावर इज इक्वल टू थ्रस्ट फोर्स इनटू वेलोसिटी ऑफ एयर और वी कैन से वेलोसिटी ऑफ प्लेन। सो थ्रस्ट पावर इज इक्वल टू एम ए इंटू वी जे माइनस वी ए ब्रैकेट इन वी ए, दिस इज द थ्रस्ट पावर। नाउ व्हाट इज द प्रोपल्सिव पावर, प्रोपल्सिव पावर क्या होता है फ्रेंड्स, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सो काइनेटिक एनर्जी एट आउटलेट माइनस काइनेटिक एनर्जी एट इनलेट कितना हो जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर, सो हाफ मास ऑफ एयर इंटू वी जे होल स्क्वायर माइनस वन बाई टू मास ऑफ एयर इंटू वी ए होल स्क्वायर। इसको क्या करेंगे फ्रेंड्स, वी नो डैट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। सो यहाँ से क्या हो जाएगा, प्रोपल्सिव पावर पावर इक्वल टू वन बाई टू मास ऑफ एयर इंटू वी जे प्लस वी ए ब्रैकेट क्लोज एंड अगेन दिस इज वी जे माइनस वी ए, दिस इज द प्रोपल्सिव पावर, और वी कैन से दिस इज द प्रोपल्सिव पावर। वॉट इज द प्रोपल्सिव इफिशियंसी फ्रेंड्स, प्रोपल्सिव इफिशियंसी इक्वल टू थर्स्ट पावर अपॉन प्रोपल्सिव पावर। सो थर्स्ट पावर इज इक्वल टू वॉट, दिस इज द थर्स्ट पावर मास फ्लो रेट इंटू वी जे माइनस वी ए इंटू वी ए इज द थर्स्ट पावर। सो दिस इज द थर्स्ट पावर मास फ्लो रेट इंटू वी जे माइनस वी ए इंटू वी ए अपॉन प्रोपल्सिव पावर। सो दिस इज द प्रोपल्सिव पावर, हाफ मास फ्लो रेट इंटू वी जे माइनस वी ए इंटू वी जे प्लस वी ए। सो सी हियर फ्रेंड्स, दिस टू टर्म्स इज इक्वल, सो इट विल बी कैंसिल आउट एंड दिस मास फ्लो रेट ऑफ एयर इट विल ऑल्सो कैंसिल आउट। यह जो टू होगा दिस इज वन बाई टू, सो दिस टू विल गो अप साइड, तो क्या हो जाएगा टू इंटू वी ए अपॉन वी जे प्लस वी ए। ओके, टू इंटू वी ए अपॉन वी जे प्लस वी ए, सो दिस इज द प्रोपल्सिव इफिशियंसी। ग्रीन फ्रेंड्स, तो हमने क्या क्या देखा फ्रेंड्स, क्या क्या देखा, थर्स्ट फोर्स कितना होगा, थर्स्ट पावर कितना होगा, प्रोपल्सिव पावर कितना होगा, दिस इज द प्रोपल्सिव पावर एंड व्हाट इज द इफिशियंसी या प्रोपल्सिव इफिशियंसी कितना हो जाएगा, टू इंटू वी अपॉन वी जे प्लस वी ए। ओके फ्रेंड्स, सो फ्रेंड्स मेरा एक्सप्रेशन अच्छा लगे प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आई विल ट्राई टू गिव द आंसर। ओके फ्रेंड्स, सो थैंक यू।